नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे आपको बाहर आने वाला नहीं है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो पहले हम लोगों ने पहला जो इकाई था संख्या पद्धति उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे इकाई 2 बीजगणित। अब देखेंगे, पहले जान लेते हैं कि बीजगणित से कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीजगणित का है आपका 18 अंक का आएगा। इसमें से कितने का आएगा? आपका 18 अंक का आएगा। तो 18 अंक पाने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है? तो इसमें कौन कौन से टॉपिक चैप्टर आते हैं? बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। यानी इतने आपके टॉप चैप्टर बुक में हैं, इतने में से आपका 18 नंबर का आएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि बहुपद में से क्या पूछेगा। बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पूछेगा। और चैप्टर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है इससे आपका पूछेगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा एक्स और वाई का मान निकालना। अब बात करते हैं जो द्विघात समीकरण से क्या पूछेगा आपका। मानक द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें से क्या है, द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तिकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इन पर आधारित प्रश्न, ये आपका टॉपिक पढ़ना है हमें। फिर समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों पर के लिए इसका अनुप्रयोग, ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी टॉपिकों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला जैसे कि है बहुपद। अब बहुपद से कौन सा टॉपिक आएगा? बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। तो बहुपद क्या होते हैं? अब जैसे बहुपद लिख दिए हमने ए एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है? एक बहुपद होता है। बहुपद में क्या होता है? एक चर होते हैं और अचर होते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है अगर संख्या में लिखे तो मान लेते हैं 3x+3। अब इसमें जो 3 है और यहाँ पर मान लेते हैं अगर 4 है तो 3 और 4 क्या है? यह अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट, ये बदलेंगे नहीं। और x क्या है यहाँ पर? चर है। तो चर और अचर मिला करके क्या बना हुआ है? यह बहुपद बना हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? बहुपद की शून्यांक, द्विघात बहुपदों, गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। अब क्या करते हैं, पहले हम शून्यांक जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यांक होता क्या है। ठीक है, बहुपद का शून्यांक मतलब अगर कोई भी, अगर हम लिख दे रहे हैं कोई बहुपद लिख दे रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 3x+4। ठीक है, यही लिख लेते हैं। तो अब हमें एक्स का क्या मान रखें कि शून्य हो जाए ये पूरा बहुपद? तो हम इसको कर देंगे x के इधर 0, क्योंकि इसको हमें पूरा 0 करना है, क्योंकि हमें शून्यांक निकालना है x का वह मान जिसको इस बहुपद में रखने पर यह पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, शून्य रख दिए तो 3x इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? -4/3। तो इस प्रकार से जो x का यह मान आ गया यही क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यांक आ गया। इस बहुपद में अगर इस मान को रखेंगे तो यह जो है कि शून्य हो जाएगा बहुपद। लेकिन हमें क्या बताना है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध में निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम द्विघात बहुपद देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, अब ऐसा बहुपद जिसके घात अधिकतम घात 2 हो, जैसे हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अब इनके गुणांकों और शून्यांकों के मध्य हमें क्या निकालना है?
संबंध निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं कि एक बहुपद लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं शून्यांक ज्ञात करते हैं और हम क्या करते हैं उनमें संबंध भी स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक, 2x² द्विघात बहुपद लेते हैं 2x² -6x, ठीक है, क्या लेते हैं -8x ले लेते हैं, यहाँ पर 8x है, ठीक है, 8x माइनस प्लस 6 है, ठीक है, यह क्वेश्चन है। अब इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है, अभी संबंध भी स्थापित करेंगे कैसे संबंध आता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस, अब देखिएगा 6 × 2 = 12, हमें इस प्रकार से 12 को करना है कि 8 आ जाए, तो 6 + 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा +6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² -6x ± -2x +6, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, बचेगा क्या x -3, यह बचेगा, इसमें -2 कॉमन है x -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x -3 कॉमन है, तो x -3 को बाहर ले लेंगे, अब 2x -2, ठीक है, यह आ गया। अब हम क्या निकालेंगे शून्यांक, क्या निकालेंगे शून्यांक, या शून्यक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं शून्यक या शून्यांक, दोनों भी शून्यक निकालना है। तो x -3 = 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ गया 3, यानी x का मान अगर हम इस बहुपद में रख दें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या आएगा 2x -2, ठीक है, अब इसको शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे 2x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब x यानी कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे 2 होंगे, अगर 3 घात रहेगा तो उसके शून्यक कितने होंगे 3 होंगे, अगर 1 घात रहेगा तो उसके शून्यक कितने होंगे 1, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनके बीच संबंध देखते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, हम यह जानेंगे कैसे देखिए सूत्र बनता है। अब यहाँ पर शून्यांक क्या है, अगर मान लें शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, अगर एक्स वन एक्स टू मान लें ऐसे भी मान सकते हैं या अल्फा बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 1 है, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो शून्यांकों का एक कितना आ गया 4। अब फार्मूला क्या बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फार्मूला होता है माइनस, अब जैसे कि हमें कितना लाना है 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए हम क्या कर दें यहाँ पर जो यह -8 है इसको रख दें, ठीक है, और / 2 रख दें तो कितना आ जाएगा, यह 8 / 2 कितना आ जाएगा 4, तब भी देखिए 4 आ रहा है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकला हमारा कि -8 क्या है, देखिए -8 जो है यह क्या है x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर -b/a, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि माइनस बी क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक बटे 2 क्या है x² का गुणांक है, क्या है x² का गुणांक। तो एक संबंध निकला कि नहीं, गुणांक, तो क्या संबंध निकला यानी कि शून्यांकों का योग का -b/a यानी -x का गुणांक x² का गुणांक, इस पर प्रश्न आपका जरूर आएगा 100% कह रहा हूँ। अब क्या निकालना है शून्यांकों का, एक संबंध हमने निकाल लिया योग का, अब निकालना है क्या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। अब गुणनफल क्या करेंगे α × β, तो 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 कैसे और आ सकता है यहाँ पर, इसको देखिए 6 / अगर 2 करें तो आ सकता है कि नहीं, 6/2 तो कितना आ जाएगा 3। 6 का क्या है अचर पद है, तो यहाँ पर क्या बन गया एक फार्मूला α × β अचर पद
अचर पद बटे बटे यहाँ पर क्या है, दो एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि c बाई ए। तो इस प्रकार से फार्मूला बन गया हमारा, दो कौन कौन सा शून्यांकों के बीच संबंध क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी बाई ए, ठीक है, और एक क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से आपका यही जो है कि बहुपद वाले चैप्टर से ये जरूर आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगला जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, बहुपद से सिर्फ यही आएगा आपका, आपको इसी के पढ़ना है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दो चर मतलब इससे पहले जो बहुपद था हम लोगों ने देखा उसमें एक पद थे, ठीक है, और एक चर था। अब इससे यहाँ पर चर और अचर मैंने बताया था, ठीक है, अब यहाँ पर दो चर रहेंगे, ठीक है। इसका जो मानक समीकरण होता है ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस सॉरी ए वन एक्स प्लस बी वन वन कर देते बी वन कर देते हैं और सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और एक दूसरा समीकरण होता है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यह क्या है आपका, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो यहाँ पर चर हैं x और y, ये क्या है दो चर हैं, और इन्हीं को दो आपको समीकरण दिए रहेंगे, उन्हीं समीकरणों का आपको क्या निकालना है, हल करके x और y के मान निकालते हैं। आइए हमें कौन कौन सी विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों विधियों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक सवाल देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम सवाल को करेंगे, फिर एक हम लोग क्या करेंगे कि विलोपन विधि द्वारा भी देख लेंगे। तो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, तो जितना बस बताते जा रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे एक समीकरण लिखा हुआ है एक्स प्लस y बराबर 14, ठीक है, समीकरण यह एक है, और x माइनस वाई बराबर 4, यह समीकरण दो है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर रहे हैं, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक से अब समीकरण एक ले लेंगे, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो गया 14 माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी x का मान प्रतिस्थापन, प्रति मतलब कि उसी के स्थान पर, अब x के स्थान पर हम क्या करते हैं, समीकरण एक को लिया था, अब समीकरण दो में इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण देखिएगा जिस समीकरण को लेंगे उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है, ठीक है। जैसे समीकरण एक को लिया तो समीकरण दो में रखेंगे, अगर समीकरण दो को लिए रहते तो समीकरण एक में रखते, तो अब x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर, जब समीकरण दो में रखेंगे तो समीकरण दो क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान हमने क्या निकाला, वो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, फिर क्या है, अब माइनस वाई है बराबर 4, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो माइनस वाई माइनस वाई माइनस टू वाई जाएगा 4 माइनस 14, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस टू वाई बराबर यहाँ पर क्या है माइनस 10, ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर 10 बटा 2, वाई बराबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई बराबर वाई का मान 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी वाई का मान समीकरण एक या दो में रख करके एक्स का मान निकाल देंगे, ठीक है, तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5, 14,
तो x बराबर कितना आ गया, 14 - 5, तो x बराबर 9। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने क्या किया, x और y का मान निकाल लिया। अब आइए हम लोग इसी प्रश्न को क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। प्रश्न क्या था, x प्लस वाई बराबर 14, फिर क्या है x माइनस वाई बराबर 4, यही था। ये समीकरण एक था और ये समीकरण दो है। तो समीकरण विलोपन विधि द्वारा हम क्या करेंगे कि दोनों देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या है यहाँ पर 2y, अब यहाँ पर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो पिछले वाले में भी हम लोगों ने देखा था क्या कि y बराबर कितना आया है, देखिए यहाँ पर 5 है कि नहीं, और इसके बाद यहाँ पर भी 5 आया है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इस y का मान समीकरण एक में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में जब हम रखेंगे तो क्या है समीकरण एक हमारा, x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान कितना है 5 है, 5 रख दिए 14, तो क्या हो जाएगा x बराबर 14 - 5, कितना हो जाएगा 9। तो देखिए ऐसे भी हमारा 9 आया था और इस प्रतिविलोपन विधि द्वारा भी 9 आया था। उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले टॉपिक द्विघात समीकरण को देखते हैं। अब इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें से देखिएगा क्या पूछेगा आपका, मानक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। अब द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल आएगा, तो कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, वास्तविक मूल होता है एक काल्पनिक मूल होता है। तो यहाँ पर जो पूछेगा केवल वास्तविक मूल ही आएगा। द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, हम क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे, दोनों विधियों द्वारा निकालेंगे। तो अब इसके लिए हमें जानना होगा कि जो द्विघात समीकरण होते हैं इनके देखिएगा दो मूल होते हैं, क्योंकि इसके घात दो हैं तो कितने मूल होंगे, दो होंगे। अब एक हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न को लेते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है 2x² - 5x + 3 = 0, यह एक समीकरण है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों विधियों द्वारा निकालेंगे, द्विघात सूत्रों द्वारा भी और गुणनखंड द्वारा भी। पहले हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा निकालते हैं। तो द्विघात जो सूत्र होता है वह क्या होता है, -b + √b² - 4ac / 2a, यह फार्मूला होता है। तो अब अगर इससे तुलना करें हम लोग, ठीक है, तो क्या a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x का गुणांक क्या है, -5 है, तो -5 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान इस वाले द्विघात सूत्र में रख देते हैं, तो माइनस, अब बी क्या है, -5 है, ठीक, +√b² यानी -5² - 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3/2, a का मान कितना है 2, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + √5 = 25। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, -24/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है प्लस माइनस, 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, और उसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 4। अब एक बार क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो मूल क्या हो जाएगा इसका, मूल हो जाएगा 5 + 1/2, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 6/4, इसका मतलब हो जाएगा 3/2, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। अब इसके बाद दूसरा मूल क्या होगा,
अब दूसरा मूल हो गया, एक माइनस लेंगे 5 - 1/4, तो कितना हो जाएगा 4/4, तो कितना हो जाएगा 1। तो हमें दो मूल मिल गए, 1 3/2 और 1 मिल गया 1। तो यहाँ पर हमें दो मूल मिल गए। एक किस विधि द्वारा हमने निकाला, द्विघात सूत्रों द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा। अब हम निकालेंगे किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। अब समीकरण इसी समीकरणों के लिए लिखेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। दोनों द्वारा हमारा मान सही आना चाहिए। अब देखिएगा मध्य पद को हम क्या करेंगे, विभक्त करेंगे इस प्रकार से कि 5 आए, तो 3 × 2 = 6। अब 3 और 2 को जोड़ देंगे तब भी 6 आ जाएगा, तो 2x² - 2 + 3 = 5 हो जाएगा, x + 3 = 0। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x² - 2 + 3 2x और यहाँ पर क्या जाएगा 3x, यह हो जाएगा, और यहाँ पर +3 = 0, यह हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन है 3 बस कॉमन है, तो x - 1 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 x - 1, तो x - 1 बचेगा क्या यहाँ पर 2x - 3, तो क्या हो जाएगा इसका मूल, x - 1 यहाँ पर 0 है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमने इस विधि द्वारा भी देखिए हमारा कितना आया है, 1 आया। फिर हम क्या लेंगे, 2x - 3 = 0, तो क्या आ जाएगा 2x = 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो कितना माना गया, एक x = 1 और एक आ गया x = 3/2। तो दोनों विधि द्वारा हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड विधि द्वारा और द्विघाती सूत्रों द्वारा आप निकाल लेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक जो इसमें से आएगा, द्विघात समीकरण का विव्यक्तिकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बहुपद में निकाले थे, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। अब द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यही होता है इसका मानक रूप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि विव्यक्तिकर क्या होता है, विव्यक्तिकर, ठीक है, आपने सुना होगा विव्यक्तिकर, ठीक है। तो पहले प्रकृति जान लेंगे, अगर विव्यक्तिकर b² - 4ac होता है, अब 3 इसके कंडीशन होते हैं, पहला b² - 4ac अगर यह क्या हो, 0 से अधिक मान हो, ठीक है 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा इस कंडीशन में, दो असमान यानी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। दूसरा कंडीशन है, अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इन्हीं को हमें पढ़ना ही है सिर्फ। तीसरा कंडीशन है, b² - 4ac अगर क्या हो जाए, यह छोटा हो जाए 0 से, ठीक है, क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इन तीनों कंडीशन को अब आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर इस पर आधारित एक प्रश्न को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है एक प्रश्न है 3x², ठीक है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब हमें मूल की प्रकृति ज्ञात करना है और मूल को निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे,
पहले हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 और सी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कौन सा बी स्क्वायर विभक्तिकर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे विभक्तिकर, पहले विभक्तिकर चेक करेंगे, विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर बी का मान कितना है 4, यानी कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े ए का मान कितना है, ए का मान 3 है तो 3 रख दिए, और सी का मान कितना है 4 है तो 4 रख दिया हमने। चलिए ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तिया 48। अब ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 तिया 48, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अतः 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, या तो आप गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिए या सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र द्वारा निकाल लीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि द्विघाती सूत्र द्वारा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर जब दो बराबर मूल होंगे तो बी स्क्वायर तो माइनस बी अपान 2a हो जाता है। ठीक है, माइनस बी अपान 2a, तो माइनस बी यानी कि क्या है माइनस 4 माइनस लगाएंगे रूट 3 अपान 2a की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3 अपान 2 इंटू 3, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट 3 अपान 3। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या होंगे इसके मूल होंगे। तो उम्मीद हो गया कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 इसके मूल होते हैं, कौन कौन से कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको याद होने चाहिए। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से और कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक द्विघात समीकरण पर आधारित हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 400 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम दो वर्ग बनाते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब दो वर्ग बना लेते हैं, जैसे दो वर्ग हैं, मान लेते हैं कि एक वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, और एक वर्ग यह है, दो वर्ग हैं। ठीक, मान लेते हैं चारों भुजाएं बराबर हैं देखने में भले ही, मान लेते हैं इसकी भुजाएं सभी क्या हैं एक्स हैं। ठीक है, और इसकी भुजाएं क्या हैं सभी वाई हैं। यहाँ क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः एक्स व वाई हैं, अतः क्षेत्रफल क्रमशः क्या हो जाएंगे। अब जो वर्ग होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, क्षेत्रफलों के वर्गों का योगफल, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है 400 आ रहा है, इसको हम समीकरण एक मान ले रहे हैं। अब उनके परिमापों का अंतर हमने एक्स को बड़ा माना हुआ है, तो मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब हम मान लेते हैं कि अब परिमाप क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे वर्ग के यानी वर्गों के परिमाप क्या हो जाएंगे,
सभी भुजाओं का योग होता है, तो 4x वह क्या हो जाएगा, 4y। अब इनका अंतर कितना हो जा रहा है, 4y माइनस सॉरी 4x, क्योंकि x वाला बड़ा है माना हुआ है, माइनस 4y बराबर कितना आ जा रहा है, 16। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 16, चार कामन हो जाएगा, इधर चार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर हम क्या कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस सॉरी 4 माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस है। अब इस x का, क्योंकि द्विघात समीकरण हमें बनाना है, तो इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, समीकरण एक में हम रखेंगे तो समीकरण एक क्या है हमारा, इधर लिख देते हैं, समीकरण एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बराबर 400 है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 वाई प्लस वाई बराबर 400। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, 400 नहीं सॉरी 16, अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर 8 माइनस 8 वाई प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सॉरी ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, यह रहेगा। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और माइनस 8y बराबर 400। अब हम क्या करेंगे, 400 को इधर लाएंगे और इसको पहले लिख देंगे 2y स्क्वायर माइनस 8y, अब यहाँ पर प्लस 16 माइनस 400 बराबर 0। अब 2 को काम पहले घटा लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 8y, अब 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3 8 4, यह हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान हमें निकालना है, तो y का मान हम निकालते हैं। ठीक है, पहले 2 को कामन लेते हैं, 2 को कामन ले लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस, यह कितना हो जाएगा सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 192 है, 192 हमें कितना लाना है, यहाँ पर 4 लाना है। तो 192 का हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि कैसे यहाँ पर 4 आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम है, तो जितना भी आपको बस बताते जा रहा हूँ उसको आप देखते रहिए। ठीक है, तो x क्या है, 192 है, तो 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 96 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 8 48 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से हमें, क्योंकि 4 लाना है, मध्य पद को बांटना है। तो देखते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24। ठीक है, 24 ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16। ठीक है, अच्छा 16 यहाँ पर कर लेते हैं, 4 3 12, 16 और 12 का कम्बिनेशन बनेगा, कितने का बनेगा, 16 और 12 का। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे आप करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पर बराबर 0 है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, इस समय थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस, अब कितना लिख देंगे इसको, 16 माइनस 12 वाई माइनस 192 इक्वल टू 0।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 12y माइनस 192 इक्वल टू ज़ीरो। वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या कामन है इसमें, एक काम वाई कामन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई माइनस 16, फिर इसमें क्या कामन है प्लस 12 कामन है, तो वाई माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई माइनस 16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और वाई प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वाई बराबर वाई माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 16। तो एक भुजा की जो लंबाई होगी वह कितनी आ जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पर ये माइनस आएगा तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं, ठीक है, तो 16 आ जाएगी। अब वाई का मान किस में रखेंगे हम लोग, वाई का मान अब यहाँ पर रख देते हैं समीकरण, इसको दो मान लेते हैं, तो वाई का मान समीकरण दो में रखने पर लिख देते हैं, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, अब समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई की जगह पर कितना रख देंगे, देखिए यहाँ पर 16 रख देंगे बराबर 4 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा, तो भुजाएं क्या हो जाएंगे 16 और 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने बताया। अब अगला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। अब समांतर श्रेणियाँ पहले समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, फिर इसके पदों को कैसे निकालते हैं, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर पहले इसका फार्मूला हम लोग समझते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, जैसे कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये देखिए दोनों दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2-2 का है, तो क्या हो गया, समांतर श्रेणी होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते 2, 5, 7, ठीक है, ऐसे लिख देते तो अब दो संख्याओं के बीच, यहाँ तो भले कितना है 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी के n पदों की व्युत्पत्ति, ठीक है, तो जैसे एक समांतर श्रेणी है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही कहाँ तक, n पदों तक है, तो इसका जो a है प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, a को प्रदर्शित करते हैं, और दो संख्याओं के बीच जो अंतर है, दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं सर्वांतर, क्या बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर को d से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सर्वांतर को d से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें निकालना हो अगर nवां पद, तो an बराबर प्रथम पद यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर एक लिखा हो, या एक फार्मूला और होता है, अंतिम पद बराबर, L क्या है, अंतिम पद है, L बराबर इसी को L a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं, ठीक है। अब आइए इस पर एक सवाल देख लेते हैं, जैसे एक समीकरण दिया हो 4, 9, ठीक है, 14, फिर 19, ठीक। देखिए अब यहाँ पर 4, 5 हो जाएगा, और 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, यानी कि यह ऐसे ही श्रेणी है, और इसका हमें निकालना है दसवां पद, कौन सा पद निकालना है, दसवां पद। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यह किस में है, एपी में है, तो प्रथम पद जो ए है यहाँ पर क्या है, 4 है। अब डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए दो में, दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फार्मूला क्या निकालना है, दसवां पद निकालना है, तो a10 ऐसे बोलते हैं, a10 निकालना है, तो इसके लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, तो 4 रख देंगे, प्लस 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे, ठीक है। तो 4 धन ए कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5, तो ए धन 9 पचे 45 बट 45, और ये 4 कितना हो जाएगा, 49,
तो ए टेन कितना जाएगा, 49 जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ सब आप नोट करते हुए चल रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो एनवा पद निकालना है। अगर एन पदों का योग पूछता है, एन पदों का योग, इसके लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है, ए एस बराबर फार्मूला जो होता है, ठीक है, क्या होता है, एन अपान टू, यानी एन पदों का योग के लिए, ठीक है, ए एस, ठीक है, यहाँ पर एस फार्सम होता है। अब एन अपान टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये एक होता है। या फिर अगर अंतिम पद दिया तो एन अपान टू ए प्लस एल, यह एक फार्मूला होता है। अब जैसे यहीं पर यह दिया हुआ है 4 धन 9 धन 14 धन 19 और 10 पदों का योग, क्या पूछे, 10वां पद निकालना था। यहाँ 10 पदों का योग पूछे अगर, तब कैसे हम निकालेंगे, तो यही पर बस क्या करेंगे, a बराबर कितना है, 4 है, d बराबर कितना है, 5 है, निकाला हुआ है हमने। अब यहाँ पर 10, n बराबर कितना है, 10, अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग एच टेन बराबर एन अपान टू, फार्मूला होता है 2a + n-1 × d, तो n का मान कितना है, 10/2, 2 × a का मान कितना है, 4, ठीक है, प्लस n कितना है, 10-1 × 5, ठीक, d कितना है, 5 है, तो अब 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, प्लस अभी कितना हो जाएगा, 9 × 5, तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 + 9 = 45, अब 45 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 1 = 26, तो कितना आ जाएगा, सम 265 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको दोनों फार्मूले, एक यहाँ पर जो दो फार्मूले, ये वाला याद कर लीजिएगा और ये वाला, ये दोनों क्या है, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है।